दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में ग्वार की बंपर बुआई की, जानेंगे क्यों लग सकता है जौ उत्पादन को झटका, बताएंगे प्याज की कीमत को कैसे कंट्रोल करेगी सरकार, समझेंगे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी यूपी सरकार, साथ ही बताएंगे गंगा को विश्व पहचान दिलाने के लिए क्या करेगी केंद्र सरकार। देश भर में मॉनसून की कमी एक बार फिर से 10% तक पहुंच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 अगस्त तक पूरे मॉनसून सीजन में 589.6 मिलीमीटर बरसात हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान करीब 655.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों ने एक बार फिर सरकार और किसानों की चिंता बढ़ा दी है। एक ताजा आंकड़े के अनुसार देश भर में मॉनसून की कमी 10% तक पहुंच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 23 अगस्त तक पूरे मॉनसून सीजन में 589.6 मिलीमीटर बरसात हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान करीब 655.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। बीते रविवार को देश भर के अधिकतर हिस्सों में कम बरसात दर्ज की गई है। जिस तरह से भी मॉनसून की कमी में इजाफा देखने को मिला है, मौसम विभाग के अनुसार रविवार यानी 23 अगस्त को देश भर में औसतन 47% कम बारिश दर्ज की गई है। सामान्य तौर पर 23 अगस्त को देश भर में औसतन 8.3 मिलीमीटर बरसात होती है। राजस्थान सरकार ने इस साल ग्वार की बुआई को लेकर जो लक्ष्य तय किया हुआ था वो लगभग पूरा हो चुका है। राज्य के कृषि विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 20 अगस्त तक राजस्थान में करीब 40 लाख हेक्टेयर में ग्वार की खेती हो चुकी है। ग्वार की खेती में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य के कृषि विभाग के आंकड़ों की माने तो 20 अगस्त तक राज्य में करीब 40 लाख हेक्टेयर में ग्वार की खेती की जा चुकी है। राजस्थान कृषि विभाग ने मौजूदा खरीफ सीजन में इतना ही ग्वार की खेती का लक्ष्य तय किया था। हम आपको बता दें कि राजस्थान पूरे देश में सबसे ज्यादा ग्वार उत्पादन करने वाला राज्य है, तो 20 अगस्त तक राज्य में 31.84 लाख हेक्टेयर में ग्वार की खेती हुई थी, जबकि पिछले साल पूरे सीजन में करीब 40.30 लाख हेक्टेयर में ग्वार की खेती हुई थी। हालांकि अभी इस साल ग्वार की खेती में समय बचा हुआ है। इस साल जौ उत्पादन को झटका लग सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की माने तो 2014 से 15 के दौरान देश भर में जौ का उत्पादन 5 साल के निचले स्तर तक पहुंच गया है। ताजा अनुमान के अनुसार देश में सिर्फ 16 लाख टन जौ का उत्पादन हुआ है। देश भर में इस साल जौ उत्पादन में कमी दर्ज की जा रही है, जिसका असर जौ की लगातार घट रही कीमतों पर हो सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने चौथे अग्रिम अनुमान में जौ उत्पादन में कटौती की है। इस कटौती के बाद जौ की कीमतों में थोड़ी उछाल दर्ज की जा रही है, जो आगे और बढ़ सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2014-15 के दौरान देश में सिर्फ 16 लाख टन जौ का उत्पादन हुआ है। इससे पहले तीसरे अग्रिम अनुमान में सरकार ने 16.30 लाख टन उत्पादन का अनुमान जारी किया था। अग्रिम अनुमान की रिपोर्ट के बाद जौ की कीमतों में और रिकवरी की उम्मीद जताई जा रही है और सितंबर में भाव फिर से 1,250 रुपए तक पहुंचने की संभावना है। मौजूदा चीनी वर्ष 2014-15 में चीनी का बढ़ा हुआ उत्पादन देश के चीनी उद्योग के लिए पहले ही परेशानी खड़ा कर रहा है और अगले सीजन में भी उत्पादन ज्यादा होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में चीनी उद्योग की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इस साल देश में गन्ने का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर चीनी उद्योग संकट का सामना कर सकता है। जबकि मौजूदा चीनी वर्ष 2014-15 में चीनी का बढ़ा हुआ उत्पादन देश की चीनी इंडस्ट्री के लिए पहले ही दिक्कतें खड़ी कर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल 21 अगस्त तक देश भर में करीब 48.84 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती दर्ज की गई है। पिछले साल इस दौरान देश भर में 47.17 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हो पाई थी। हालांकि सरकार चीनी उद्योग की समस्या को दूर करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। सरकार चीनी एक्सपोर्ट के बदले दलहन और तिलहन इम्पोर्ट की योजना पर विचार कर रही है। अगर ये योजना आगे बढ़ती है तो इसका फायदा चीनी उद्योग को मिल सकता है। पिछले साल देश भर में किसानों को कपास के कम भाव मिलने का असर इस साल कपास की खेती पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश भर में कपास का रकबा 7% से ज्यादा पिछड़ा हुआ है। ऐसे में कपास उत्पादन में कमी दर्ज की जा सकती है।
मौजूदा खरीफ सीजन में कपास की खेती पिछड़ती जा रही है, जबकि पिछले साल किसानों ने कपास की जमकर खेती की थी। यही वजह है कि कपास की खेती में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन किसानों को कपास का सही मूल्य नहीं मिला था, जिसका असर इस साल कपास की खेती पर साफ तौर से देखा जा सकता है। इस साल कपास के खेत के रकबे में कमी दर्ज की जा रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल कपास का रकबा पिछले साल की तुलना में 7% पीछे चल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 21 अगस्त तक देश भर में 110.23 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान ये आंकड़ा करीब 119 लाख हेक्टेयर था। प्याज की लगातार बढ़ रही कीमतों को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार हर विकल्प तलाश रही है। जमाखोरों पर लगाम लगाने के साथ साथ केंद्र सरकार ने 10,000 टन प्याज आयात करने पर फैसला किया है। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से प्याज की कीमतें काबू में आएंगी। आम आदमी के साथ साथ सरकार भी प्याज की कीमतों से परेशान है। पिछले कुछ दिनों में प्याज की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। हालांकि प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार ने पहले भी बहुत कोशिशें की थी, लेकिन सरकार नाकाम रही, जिसका असर प्याज की कीमतों पर हुआ है। अब एक बार फिर केंद्र सरकार ने 10,000 टन प्याज आयात करने का फैसला किया है, ताकि प्याज की तेजी से बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाया जा सके। देश की फुटकर मंडियों में प्याज 70 से 80 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि प्याज की सबसे बड़ी मंडी महाराष्ट्र के लासल गांव में पिछले एक महीने में प्याज की कीमत में 66% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हो सकता है आने वाले समय में चावल की कीमतों में उछाल देखने को मिले, क्योंकि NBHC यानी नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन ने साल 2014-15 के दौरान देश में चावल के उत्पादन में करीब 53 लाख टन घटने का अनुमान जताया है। साल 2014-15 के दौरान देश में चावल के उत्पादन में कमी दर्ज की जा सकती है, जो करीब 53 लाख टन हो सकता है। नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन यानी NBHC ने साल 2015-16 के लिए पहले एडवांस अनुमान जारी किया है, जिसमें इस साल सिर्फ 855.10 लाख टन चावल उत्पादन होने की संभावना जताई गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के चौथे एडवांस अनुमान के मुताबिक साल 2014-15 के दौरान खरीफ सीजन में 908.60 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ था। पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीफ सीजन में चावल का रकबा 5.58% कम रहने की संभावना है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे पंजाब में धान की फसल पर क्यों मंडरा रहा है खतरा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छोटे उद्यमियों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से एग्री एंटरप्रेन्योरशिप 2015 का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भागीदारी नेटवर्क में जो एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस कर रहे एंटरप्रेन्योर्स, उनको कंपनीज के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनके साथ जोड़ना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले तिलहन, मूंगफली और सोयाबीन के बड़े उत्पादक राज्य राजस्थान को इस साल फसलों के लिए अनुकूल मौसम का फायदा तिलहन की बढ़ी हुई बुआई के तौर पर मिला है। राजस्थान के किसानों ने तिलहन फसलों की बंपर बुआई की है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल तिलहन फसलों के उत्पादन में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। राज्य सरकार के फसल बुआई के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 20 अगस्त तक तिलहन का रकबा 21.20 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि इस साल पूरे सीजन के लिए 21.10 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती का लक्ष्य तय किया गया था, जबकि पिछले साल पूरे सीजन में 19.66 लाख हेक्टेयर में ही तिलहन की बुआई हुई थी। धान के बड़े उत्पादकों में शामिल पंजाब इन दिनों धान की फसल में लगे फफूंदी को लेकर चिंतित है। राज्य सरकार और कृषि विशेषज्ञ भी इस समस्या को लेकर उचित कदम उठा रहे हैं। विशेषज्ञों ने किसानों को फफूंदी जनित खैरा बीमारी से बचने के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी है। अगर समय रहते पंजाब में धान की फसल पर लगे फफूंदी जनित खैरा बीमारी पर काबू नहीं पाया गया तो राज्य में धान की फसल को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। पंजाब के ज्यादातर किसान इस खतरनाक बीमारी का सामना कर रहे हैं, जिसको देखते हुए कृषि विशेष उचित कदम उठा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को चेताया है कि इस बीमारी के फैलने के लिए मौजूदा मौसम में स्थिति बहुत अनुकूल है। ऐसे में फसल को लेकर उचित सावधानियां बरतने की जरूरत है। इस बीमारी के कारण धान के प्रभावित पत्ते तेजी से मर सकते हैं, जिससे फसल की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। भारत भले ही दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, इसके बावजूद नीदरलैंड की सेवा कंपनी राबोबैंक की शीर्ष 20 डेयरियों की सूची में भारत की एक भी डेयरी शामिल नहीं है, जबकि हर साल यहां 14 करोड़ टन दूध उत्पादन होता है।
भारत में डेयरी उद्योग का असंगठित होना इनकी साख को बट्टा लगा रहा है, जबकि भारत दुनिया में दूध के उत्पादन में अव्वल है। इसके बावजूद भारतीय डेयरियों का नाम नीदरलैंड की सेवा कंपनी राबोबैंक की शीर्ष डेयरियों की सूची में शामिल नहीं है, जबकि भारत में हर साल 14 करोड़ टन दूध उत्पादन होता है। उद्योग के विशेषज्ञों की माने तो भारतीय डेयरियों के पिछड़ने का कारण यहां के डेयरी उद्योग का असंगठित होना है। इसके अलावा इनका संचालन कंपनियों के बजाय सहकारी समितियों द्वारा होना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छोटे उद्यमियों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से एग्री एंटरप्रेन्योरशिप 2015 का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के अलग अलग हिस्से से आए छोटे बड़े उद्यमी, बैंक अधिकारी और संबंधित क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए। लखनऊ में रूरल आउटरीच ने सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और भागीदारी एग्रो नेटवर्क के साथ मिलकर एग्री एंटरप्रेन्योरशिप 2015 का आयोजन किया, जिसमें हजार से भी ज्यादा छोटे बड़े उद्यमी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मौजूद पैनलिस्ट, एग्री प्रोफेशनल्स, बैंक अधिकारी और बैंकर्स उद्यमियों की परेशानियों संबंधित कई मुद्दे पर चर्चा की। आउटरीच के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि छोटे उद्यमियों को व्यापार करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि सरकार द्वारा उद्यमियों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनकी जानकारी किसानों और उद्यमियों को नहीं होती। ऐसे में इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है कि उद्यमियों को जानकारी के साथ साथ उनका मार्गदर्शन भी किया जाए। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भागीदारी नेटवर्क में जो एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस कर रहे एंटरप्रेन्योर्स, उनको कंपनीज के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनके साथ जोड़ना सबसे अहम काम है, जिसको लेकर ये हम लोग साल में एक बार इस तरह का कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करते हैं। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत कुछ जानकारी मिली, कई योजनाओं के बारे में पता चला है, कुछ योजनाएं जो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है स्टार्ट करने वाली है उनके बारे में जहाँ जानकारी मिली है, तो मेरे विचार से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में 4 सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना कर रही है। इन चारों संयंत्रों की अनुमानित क्षमता 600 मेगावाट होगी, जो राज्य के अलग अलग जिलों में स्थापित की जाएगी। इस पहल से काफी हद तक यूपी में बिजली की समस्या दूर होगी। उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ती समस्या और राज्य में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बिजली उत्पादन के तमाम विकल्पों पर विचार कर रही है। इस क्रम में सोलन एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपी में 4 सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना कर रही है। इन संयंत्रों की अनुमानित क्षमता 600 मेगावाट होगी, जो राज्य के अलग अलग जिलों में स्थापित की जाएगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा और रूफ टॉप सोलर पावर नीतियों की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उद्यमों को भरोसा दिलाया है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य में जमीन की कमी नहीं है और किसान स्वेच्छा से अपनी जमीन दे रहे हैं। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए क्या करेगी केंद्र सरकार। गंगा को पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल बनाने में जुटी जल संसाधन नदी विकास और गंगा मंत्रालय ने दुनिया के सबसे साफ 10 नदियों में गंगा को भी शुमार करने का फैसला किया है। एक नई सुविधा के तहत अब डायबिटीज के मरीजों को अस्पताल के चक्कर नहीं काटने होंगे, वो घर बैठे ही अपनी दवाओं और इंसुलिन की मात्रा के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए प्लास्टिक के थैलियों के निर्माण के नियमों में बदलाव करने जा रही है। इस दिशा में मौजूदा नियमों को सख्त बनाने का फैसला सरकार ने किया है। भविष्य में प्लास्टिक थैलियों के निर्माण के लिए न्यूनतम 50 माइक्रोन की मोटाई निर्धारित की जा रही है। प्लास्टिक से लगातार बढ़ रहा प्रदूषण सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है, जिसको काबू में करने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी कई स्तर से काम कर रही हैं। एक नई पहल के तहत केंद्र सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। सरकार प्लास्टिक के मौजूदा नियमों को और सख्त बनाएगी। भविष्य में प्लास्टिक थैलियों के निर्माण के लिए न्यूनतम 50 माइक्रोन की मोटाई तय की गई है। ऐसा होने पर प्लास्टिक उतना हानिकारक नहीं होगा जितना अभी है। इस कवायद के पीछे सरकार का मकसद चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना है। गंगा को पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल बनाने में जुटी जल संसाधन नदी विकास और गंगा मंत्रालय ने दुनिया के सबसे साफ 10 नदियों में गंगा को भी शुमार करने का फैसला किया है।
गंगा को स्वच्छ बनाने की योजना को विस्तार देते हुए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने गंगा को दुनिया की सबसे साफ 10 नदियों में शुमार करने का संकल्प लिया है। इसके लिए तमाम स्तरों पर काम किया जा रहा है। इसके पहले भी केंद्रीय मंत्रालय कई तरह के कदम उठा चुका है, लेकिन अब नई पहल के तहत गंगा को उन नदियों में शामिल करने का फैसला किया गया है जो पूरी दुनिया में अपनी स्वच्छता और निर्मलता के लिए जानी जाती है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय नए सिरे से काम करेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 तक नदियों को बचाने और पानी को व्यर्थ बहने से रोकने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। सरकार जल्द ही जनता के लिए नई स्वास्थ्य बीमा योजना लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक योजना का नाम तय नहीं किया गया है, लेकिन इसे नकदी रहित रखने का प्रस्ताव दिया गया है जिसे बहुत जल्द अमल में लाया जा सकता है। केंद्र सरकार नागरिकों के हितों का ख्याल रखते हुए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना लाने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत 5 सदस्यों वाले परिवार को 50,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा के लिए न्यूनतम 1,000 रुपए देने होंगे। एक या एक से अधिक सदस्य के वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में 1,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर का प्रीमियम 2,400 रुपए हो जाएगा, लेकिन किसी परिवार में वरिष्ठ नागरिक नहीं होने पर उसे 1,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए 1,600 रुपए का प्रीमियम चुकाना होगा। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाना था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मोदी सरकार छोटे कारोबारियों को आसानी से लोन देने की कवायद में जुटी है। सरकार की इस पहल से उन लोगों को खासा फायदा होगा जो सरकारी मदद की उम्मीद कर रहे हैं। इस पहल के तहत केंद्र सरकार ने जगह जगह मेगा क्रेडिट कैंप लगाकर लोन बांटने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार छोटे कारोबारियों की मदद के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने मुद्रा बैंक योजना के जरिए छोटे कारोबारियों को सहयोग करने का फैसला किया है। सरकार मुद्रा बैंक योजना के तहत कारोबारियों को आसानी से लोन उपलब्ध कराएगी ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इसके लिए मुद्रा बैंक द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में मेगा क्रेडिट कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही कारोबारियों को इस योजना और योजना के लाभ के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 20,00,000 छोटे कारोबारियों को 15,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के श्रमिकों और उनके परिवारों का ख्याल रखते हुए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस नई योजना के तहत श्रमिकों की मृत्यु पर राज्य सरकार उसके परिवार को 1,00,000 रुपए देगी। इतना ही नहीं, श्रमिकों की बेटियों की शादी में भी आर्थिक मदद करेगी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पंजीकृत श्रमिकों का ख्याल रखते हुए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसके तहत श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु होने पर 1,00,000 रुपए, साधारण मृत्यु होने पर 50,000 रुपए और पुत्री के विवाह के लिए 51,000 रुपए देने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को जोड़ेगी ताकि राज्य का हर मजदूर इस सुविधा का फायदा उठा सके। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कुछ सीटें आरक्षित करने की भी योजना बना रही है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ये खबर ना सिर्फ आपको राहत पहुंचाएगी बल्कि आपके शरीर को भी आराम पहुंचाएगी। एक नई सुविधा के तहत अब डायबिटीज के मरीजों को अस्पताल के चक्कर नहीं काटने होंगे, वो घर बैठे ही अपनी दवाओं और इंसुलिन की मात्रा के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने डायबिटीज के मरीजों की सेहत का ख्याल रखते हुए एक नई सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत डायबिटीज के मरीज अब अपनी दवाओं और इंसुलिन की मात्रा के बारे में घर बैठे ही जानकारी ले सकेंगे। डायबिटीज मरीजों को फोन या SMS के जरिए ये मालूम हो सकेगा कि कब और कितनी मात्रा में उन्हें दवा लेनी है। बस डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए ग्लूकोमीटर से जुड़ना होगा। ग्लूकोमीटर से जुड़ने के बाद आप डॉक्टर की लगातार निगरानी में रहेंगे और जरूरत पड़ने पर दूर बैठे डॉक्टर आपको खुद सूचित कर देंगे कि आपको क्या करना है। हम आपको बता दें कि फिलहाल भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 6.5 करोड़ से ज्यादा है। भारतीय रेलवे खुद को और आधुनिक करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि रेलवे ने एक रेल एक भारत की तर्ज पर नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों में एक ही तरह के साइनेज होंगे और साथ ही सभी स्टेशनों की कलर स्कीम भी एक जैसी होगी। अब देश के रेलवे स्टेशनों का लुक एक जैसा होगा। सरकार एक नई व्यवस्था के तहत इसको पूरे देश में लागू करने जा रही है। एक रेल एक भारत की तर्ज पर भारतीय रेलवे बहुत जल्द इसकी शुरुआत करेगी जिसके तहत देश के सभी रेलवे स्टेशनों में एक ही तरह के साइनेज होंगे, साथ ही सभी स्टेशनों की कलर स्कीम भी एक जैसी होगी। एक रेल एक भारत सुविधा को लागू करने का उद्देश्य भारतीय रेलवे को अलग पहचान देना और आधुनिक बनाना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय रेलवे की इस पहल से रेलवे विभाग को फायदा होगा और देश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120498000, साथ ही 0011।